नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। जिस तरह से हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह जहां बुराई होती है वहां अच्छाई भी होती है। आए दिन देश भर में लव जिहाद से जुड़ी कितनी ही घटनाएं देखने और सुनने को मिलती है, लेकिन आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो लव जिहाद के इर्द गिर्द तो घूमती है लेकिन एकदम अलग है। ये सलीम है, ये हिंदू लड़कियों को सलाह दे रहा है कि वो मुस्लिम लड़कों के झांसे में ना आए। मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों को प्रेम के जाल में फंसाते हैं, उनका शोषण करते हैं। अगर शादी कर भी लें तो हिंदू लड़की की जिंदगी अक्सर दुख परेशानी में ही कटती है और ये सब वो अपनी निजी अनुभव की वजह से बता रहे हैं। मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए, खुलासे भी ऐसे जो हिंदू लड़कियों को सतर्क हो जाने की हिदायत देते हैं। मुसलमान लड़कों के टारगेट पर हिंदू लड़कियां रहती हैं, वो ज्यादातर स्कूलों और कॉलेजों के बाहर खड़े रहते हैं क्योंकि कम उम्र की लड़कियों को बातों में फंसाना आसान होता है। मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने के लिए अपना हिंदू नाम बताते हैं, वो अपने हाथ में कलावा बांधते हैं और जब लड़की प्रेम जाल में फंस जाती है तो जबरन धर्म परिवर्तन कराकर शादी करते हैं। शादी के बाद हिंदू लड़कियां मुसलमान परिवारों में हमेशा प्रताड़ित की जाती हैं। अब आप सोचेंगे कि सलीम ने ये सारी बातें क्यों बताई, तो उसके पीछे उनकी निजी जिंदगी की दास्तां है। दरअसल समीर अब राजवीर हो गए हैं। राजवीर ने कहा कि मैं मुसलमान था, मेरी पत्नी हिंदू थी, उसने 14 साल पहले निकाह किया, मेरे घर वाले उसे प्रताड़ित करते रहे। शादी के बाद मेरी बेटी हुई तो भाई और पिता दोनों पर गलत नज़र रखते थे क्योंकि पत्नी पहले हिंदू थी, इसलिए 15 दिन पहले मैंने इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया है। अब मैं पत्नी और बेटी के साथ खुश हूँ, मेरे बहुत से दोस्त भी इससे बहुत खुश हैं, लेकिन मुझे परिवार वालों की धमकी ही मिल रही है। राजवीर ने कहा कि मैं हाथ जोड़कर सबसे कहता हूँ कि कोई भी हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से शादी ना करे। लखनऊ के अयोध्या रोड पर रहने वाले राजवीर ने कुछ दिन पहले ही सनातन धर्म अपना लिया और इसकी सूचना समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कर दी थी। सलीम ये भी कहता है कि इस्लाम मानने वाले कट्टरपंथी मानते हैं कि हिंदू लड़की से शादी करने वाला जन्नती होता है। जो सब सलीम ने बताया वो सिर्फ सलाह नहीं बल्कि हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों से दूर रहने की चेतावनी भी है। आपको क्या लगता है कि क्या सलीम ने सही राय दी है? अगर आपको सही लगता है या गलत, जो भी लगता है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।